वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज इस वीडियो में जो पोयम मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसका नाम है अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टोल्सन। फोटोग्राफ एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी बहुत यूज्ड टू हैं। क्या आजकल मोबाइल के जमाने में लोग बेसिकली हार्ड कॉपीज फोटो के बहुत कम रखते हैं, लेकिन ये उस समय की का पोयम है जब लोग फोटो को निकाल करके उसका एक हार्ड कॉपी, एक कार्डबोर्ड जैसा मोटा पेपर रहता था और उस मोटे से कार्डबोर्ड पे फोटो को छाप करके और वो लोग स्टूडियो से लोग लेते थे। ये उस टाइम का पोयम है। तो इस पोयम में जो पोएट हैं वो एक फोटो को देख रही हैं। बेसिकली वो फोटो काफी बहुत साल पुराना है जिसकी वजह से उसके ऊपर का जो कलर है, उस फोटो का कलर बहुत कुछ, फोटो अनक्लियर हो चुका है, उसका कलर उड़ चुका है और इसीलिए उस फोटोग्राफ को इस पोयम में कार्डबोर्ड कह करके मेंशन किया गया है कि अब उसमें फोटो जैसा, कलर जैसा बहुत कम रह गया, बेसिकली अब सिर्फ वो एक कार्डबोर्ड का शीट रह गया है। तो पोएट एक फोटो को ली हुई है और वो उस कार्डबोर्ड, उस फोटो को देख रही है और वो याद कर रही है कि अब उनकी माँ मर गई है, लेकिन जब उनकी माँ जिंदा थी तो वो उस फोटो को देख कर अक्सर बहुत हंसती थी। क्या था उस फोटो में? तो उस फोटोग्राफ में उनकी माँ की, पोएट की माँ की बचपन की फोटो थी। मतलब जब पोएट की माँ सिर्फ 12 साल की थी उस टाइम वो अपने दो कजन्स डॉली और बेली और डॉली, दो कजन्स और अपने एक अंकल के साथ एक सी हॉलीडे पे समुद्र के तरफ किनारे सी बीच घूमने गई थी और तभी उनके अंकल ने इन तीनों कजन्स का, मतलब पोएट की माँ, बेली और डॉली, इन तीनों का फोटो लिया था और वही वो फोटो था। तो चलिए अब मैं आपको ये पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ और पूरा इसका स्टोरी समझाती हूँ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड्स। पोएट कह रही है कि ये कार्डबोर्ड मुझे दिखलाता है कि कैसा वो समय था जब मेरी माँ के दो कजन्स जो है, दो टू गर्ल कजन्स जो है, वो समुद्र के किनारे जो हल्का पानी था उसमें अपने पैर को ऐसे छप 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 पैडलिंग कर रही थी, पैर से ऐसे ऐसे खेल रही थी और दोनों ही कजन जो थी वो मेरी, एक कजन एक हाथ पकड़ी थी, दूसरी कजन दूसरा हाथ पकड़ी थी मेरी माँ का। और जो मेरी माँ थी, शी द बिग गर्ल, वो तीनों में डॉली और बेली से भी वो सबसे बड़ी थी, लेकिन उनकी माँ भी खैर बहुत बड़ी नहीं थी, वो सिर्फ 12 साल या लगभग इसी उम्र में थी। And three stood still to smile through their hair. और ये तीनों लड़कियां जो हैं, पोएट की माँ, बेली और डॉली, ये तीनों जो हैं वो हाथ पकड़ के ऐसे ही, और उनके जो अंकल है वो फोटो खींच रहे थे और उनकी तरफ वो लोग ऐसे अपना तीनों मिलके ऐसे देख रही हैं और हवा से उनका जो बाल है वो उड़ रहा है और तभी एक फोटोग्राफ उनके अंकल लेते हैं और ये लोग हंसती हैं। All three stood still to smile through their hair. एट द अंकल विद द कैमरा, जो अंकल थे जो कैमरा लिए हुए थे उनकी तरफ हंस के फोटो खिंचाती हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और फोटो जो पोएट देख रही है वो बोल रही है कि कितना प्यारा सा चेहरा था मेरी माँ का, लेकिन ये तब की बात है जब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ हो, क्योंकि मेरे जन्म के बाद माँ बहुत बिजी हो गई, मे बी समथिंग हुआ हो उनकी लाइफ में, वो बिजी हो गई होंगी, फिर वो धीरे धीरे ओल्ड हुई होंगी और वो स्वीटनेस जो बचपने का, चाइल्डहुड का स्वीटनेस होता है वो पोएट कह रही है कि मैंने कभी नहीं देखा वो स्वीट फेस जो फोटोग्राफ में दिख रहा है, ये तब का है जब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और जो वो समुद्र था जिसमें ये लोग खड़े होके खेल रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत कम बदला है। ये लाइन ये शो कर रहा है कि जो समुद्र है, जो नेचुरल थिंग्स है, वो इटर्नल होते हैं, वो चेंज यूजुअली नहीं करते, उनमें एक इटर्निटी का एक गुण होता है, एक क्वालिटी होती है कि वो चेंज नहीं करते। लेकिन जो उसके बाद का लाइन है वो ये शो करता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली बहुत फास्ट चेंज करते हैं, जैसे, और ये लाइन बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट द सी जो कि चेंज नहीं किया है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो इनके पैरों को धो रहा था। और ये टेरिबली ट्रांजिएंट जो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है फीट का, इसका क्या मतलब है कि इंसान के लिए, मतलब इनकी माँ के लिए और उनके जो कजन्स थे उनके लिए, जो
जो लाइफ है वो बहुत फास्ट चेंज किया. ट्रांजिएंट मीन समथिंग दैट चेंजेस, दैट इज नॉट परमानेंट, जो कि परमानेंट नहीं है, जो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है. तो इन पैर पैर फीट इज समथिंग दैट मूव्स. तो इसलिए जो इनकी किस्मत थी, इनके जो कदम थे वो बहुत फास्ट चेंज किए और इनके लाइफ ने करवटें ली और लाइफ बहुत ज्यादा इन सभी का चेंज हो गया. सो व्हाट दिस टू लाइंस इज ट्राइंग टू से दैट फर्स्ट लाइन ये जो है, ये सी वाला, ये कह रहा है कि समुद्र जो है नेचुरल थिंग्स है, ये इटर्नल होते, ये चेंज नहीं करते. लेकिन वही जो ह्यूमन बींग्स है, उनका लाइफ, उनका कोर्स ऑफ लाइफ, ये सब कुछ बहुत फास्ट चेंज करता है. नाउ ये फर्स्ट पैराग्राफ था जिसमें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है पोएट की माँ के बचपन का, जब वो करीब 12 साल की थी और वो सी हॉलीडे में घूमने गई थी अपने कजन्स और अंकल के साथ. सेकेंड पैराग्राफ शो कर रहा है करीब इस सब के 20-30 साल बाद, मतलब जो पोएट की माँ है वो उस टाइम 12 साल की थी, अब करीब 20-30 साल गुजर चुके हैं. और तब जब पोएट की माँ उस फोटो को, स्नैपशॉट को, फोटो को स्नैपशॉट कहते हैं, उस फोटो को देखती थी, पोएट कह रही कि जब मेरी माँ उस फोटो को देखती थी करीब 20-30 साल बाद, तो वो हंसती थी उस फोटो को देख करके और बोलती थी, इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए है क्योंकि पोएट की माँ एग्जैक्टली ऐसा ही बोलती थी कि सी बेलियन डॉली शी वुड से. पोएट कह रही है कि मेरी माँ कहती थी कि देखो बेली और डॉली, कैसे उन लोगों ने हम सभी को, हम लोग तीनों कैसे ड्रेस्ड हुए थे उस दिन बीच पे जाने के लिए, समुद्र के किनारे जाने के लिए. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और जो सी हॉलीडे था वो मेरी माँ का पास्ट था, उसका बीता हुआ समय था. और मेरा मेरा मैं किस चीज को मिस कर रही हूँ, तो उसकी हंसी को, क्योंकि पोएट भी एक पास्ट टाइम को ही याद कर रही है. अभी प्रेजेंट केस ये है कि उनकी माँ मर चुकी है, लेकिन वो पास्ट को याद कर रही है कि कैसे उनकी माँ उस फोटो को देख के हंसा करती थी. और उस पास्ट में उनकी माँ किसको याद कर रही है, तो अपने फोटो को देख के अपने बचपन को याद कर रही है. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. जो वर्ड है डब्ल्यू आर वाई राय, राय का मतलब होता है एक हंसी, एक स्माइल देना. कोई आप सिचुएशन में फंस गए हैं, कोई कोई कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं आपके लिए, लेकिन उसमें फिर भी एक हंसी देना, जैसे कोई चीज को आप मिस कर रहे हैं. तो बोथ यहाँ पे वर्ड यूज है कि दोनों लोग, कोई दो लोग हैं जिन्होंने कुछ खोया है. तो कौन लोगों ने खोया है, एक पोएट और दूसरी उनकी माँ ने. पोएट ने क्या खोया है, पोएट ने अपनी माँ की वो हंसी खोई है, क्योंकि उनकी माँ अब मर चुकी है. तो वो याद, वो नॉस्टैल्जिक हो रही है, वो अपने पास्ट को याद कर रही है जब उनकी माँ उस फोटो को देख के बहुत हंसती थी. और पोएट अपनी माँ का वो हंसता हुआ चेहरा मिस कर रही है और इसलिए उनको एक सेंस ऑफ लॉस है. तो वही उनकी माँ जो है, वो जब उस फोटो को देखती थी तो वो अपने बचपन को मिस करती थी, अपने चाइल्डहुड को मिस करती थी. तो इसलिए उनकी माँ के लिए भी एक सेंस ऑफ लॉस था. पोएट की माँ और पोएट दोनों ने ही कुछ अपना, कुछ बहुत अपना सा खोया था. दे बोथ हैड अ सेंस ऑफ लॉस बिकॉज दे हैड लॉस समथिंग सिग्निफिकेंट, कुछ बहुत प्यारा खोया था. जैसे पोएट की माँ ने अपना प्यारा सा बचपन खो दिया था, वो उसको मिस करती थी, ठीक उसी तरह से पोएट अपनी माँ की हंसी खो चुकी है क्योंकि उनकी माँ मर चुकी है और इसीलिए वो उसको मिस कर रही है. नाउ द थर्ड पैराग्राफ मैंने यहाँ लिखा है. तो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें पोएट की माँ के बचपन का जिक्र है. सेकेंड पैराग्राफ है जिसमें 20-30 साल बाद जो पोएट की माँ है वो उस फोटोग्राफ को देख के हंसती थी. और थर्ड पैराग्राफ है जब पोएट फाइनली ये कह रही है कि नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कि अब उनकी जो माँ है वो मर चुकी है, शायद उतने ही साल पहले मर गई है जितने साल की वो लड़की थी. मीन्स जब उस फोटोग्राफ में उनकी माँ सिर्फ 12 साल की थी, तो अब वो याद कर रही है कि आहा मेरी माँ को मरे हुए कितने साल हो गए, 12 साल हो गए मेरी माँ को मरे हुए, ठीक उतना ही साल जब उस फोटोग्राफ में जितनी बड़ी मेरी माँ थी. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस. और अब जो ये सर्कमस्टेंस है, दिस सर्कमस्टेंस का मतलब है जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें पोएट अकेले हैं, अपनी माँ को वो खो चुकी है, उनकी माँ मर चुकी है. इस सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन के बारे में अगर कहा जाए तो कहने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ शांति है, क्योंकि पोएट सब कुछ मिस कर रही है अपनी माँ को और इसलिए वो अपने दुख को अब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती. देयर इज जस्ट साइलेंस ऑल अराउंड. नाउ द क्वेश्चन आंसर्स.
पहला क्वेश्चन है कि कार्डबोर्ड वर्ड क्या डिनोट करता है और ये वर्ड क्यों यूज हुआ है। तो कार्डबोर्ड एक फोटोग्राफ को यहाँ डिनोट कर रहा है और ये वर्ड इसलिए यूज किया है पोएट ने क्योंकि फोटोग्राफ बहुत पुराना हो गया है, बहुत ज्यादा, करीब 40-50 ईयर्स, और इसलिए उस फोटोग्राफ के कलर्स उड़ गए हैं, उसका क्लैरिटी हट गया है, तो अब वो बेसिकली सिर्फ एक कार्डबोर्ड पीस ऑफ कार्डबोर्ड है। नाउ व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, उस कैमरे ने, अंकल के कैमरे ने क्या कैप्चर किया। द लाफिंग फेसेस, द स्माइलिंग फेसेस ऑफ द थ्री गर्ल्स, फर्स्ट इज पोएट्स मदर, सेकेंड इज बेली एंड थर्ड इज डॉली। इन तीनों लड़कियों के हंसते हुए चेहरे को कैप्चर किया है व्हेन दे हैड गॉन टू अ सी हॉलिडे विद देयर अंकल, जब वो अपने अंकल के साथ एक समुद्र के किनारे घूमने गई थी। पोएट की माँ जो है वो हंसती है फोटोग्राफ को देख करके। इस लाफ का क्या मतलब है, इस हंसी का ये मतलब है कि पोएट की जो माँ है वो अपने बचपन को मिस कर रही है, सी इज बीइंग नॉस्टैल्जिक, वो अपने पुराने बचपन की मेमोरीज को याद करके उन्हें बहुत ही मिस कर रही है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ ड्राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये मैंने अभी बताया कि दोनों ही, पोएट भी और उनकी माँ भी, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट उन लोगों ने खोया है इसलिए वो रो रही है। पोएट की माँ ने अपना बचपन खोया है और पोएट ने अपनी माँ को खोया है, उनकी हंसी को खोया है। नाउ व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू, ये मैंने बताया कि दिस सर्कमस्टेंस मींस द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पोएट, पोएट जब ये पोएम लिख रही है उस सिचुएशन को बता रहा है। एंड थ्री स्टैंजास जो है वो जिंदगी के तीन फेज को डिनोट करते हैं, वो क्या है। तो पहला पैराग्राफ जैसा मैंने बताया वो पोएट के माँ के चाइल्डहुड का है, सेकेंड पैराग्राफ जब पोएट की माँ बहुत बड़ी हो गई है, करीब 12 इयर्स उस समय था, और 20-30 साल बाद, मींस अगर हम 30 इयर्स लें तो 12 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू आई थिंक 42, तो इतने साल हो चुके हैं, और तब का है ये जब उनकी माँ जिंदा है पर बहुत बड़ी हो गई है, और थर्ड पैराग्राफ तब का है जब पोएट की माँ मर चुकी है। तो ये थ्री डिफरेंट फेजेस को डिनोट करता है, बचपन, देन एडल्टहुड एंड देन डेथ। तो गाइज होप आपको ये पोएम, इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए हों। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज भी कर सकते हैं, उस फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है। और आप साइन ऑफ करें इससे पहले प्लीज उस लाइक बटन को प्रेस करें, थम्स अप बटन को, और मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।